Tejas Singh and welcome to my YouTube channel. Have you ever thought that how a soda acid fire extinguisher work? When we notice that our copper vessels are getting faded, then we use a lemon to clean that. Why do we only use a lemon? Why not other things? Like why we are using sore things only to clean that copper vessels? And our metals get faded after some time. Did you ever notice these things in your life? And if you have noticed, still you don't know the reason about these kind of things, then welcome to my video, because I'm going to tell you the reason behind each and everything. So the first thing is, why do we use platinum, gold, silver to make jewelry? Hum platinum, gold or silver ko kyun use karte hain jewelries banane ke liye? So, इनके हाँ मैं 3 points बताऊंगी आपको, ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल एंड मैलिएबल? सो द डेफिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स आर, डक्टाइल मीन्स अ मेटल दैट कैन कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, ठीक है. एंड मैलिएबल मीन्स मेटल दैट कैन कन्वर्ट इंटू थिन शीट्स, ठीक है. अब देखो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल. ये बहुत ज्यादा डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं. मीन्स हम उन्हें थिन थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उन्हें थिन थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट वाई डू वी यूज प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक ज्वेलरी. So the next thing is they have highly resistance to corrosion. Means उनमें corrosion नहीं होता है, वो उनमें जंग नहीं लगती है. Because they are very low reactive metals. वो ज्यादा react नहीं करते हैं, ठीक है. तो इसलिए वो खराब नहीं होते हैं ज्यादा, थोड़े इसलिए वो खराब नहीं होते हैं. So the next thing or the next point is they are bright or luster. तो ये इसमें बहुत ज्यादा brightness होती है, इसलिए हम इसे use करते हैं jewelries बनाने के लिए. Now I think it is clear to you that why do we use platinum, gold and silver to make jewelries. Now the next thing is, why do we keep sodium, potassium and lithium under what? Under oil. हम sodium, lithium और potassium को oil में क्यों रखते हैं? So the reason is very simple, my dear friends. They are highly reactive metals. ये इतने ज्यादा reactive होते हैं that अगर हम उन्हें अपने room temperature पे रख देंगे ना, then they will start to react with oxygen. वो वहां की oxygen के साथ react करना start कर देंगे and they will catch fire easily. और easily वो fire catch कर लेंगे. This is the reason that we keep them under oil. To prevent their reaction with oxygen, कि वो oxygen के साथ react ना करे. Now, why do metals lose their shine after some time? आपने notice किया होगा जो metal होते हैं वो कुछ time के बाद उनमें उनका color change हो जाता है, ठीक है, वो काले काले हो जाते हैं. So what is the reason behind this? जो metals होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं विद द एयर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. वो हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं और जब वो रिएक्ट करते हैं ना तो मेटल्स के ऊपर लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. किसकी लेयर? ऑक्साइड की. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड की लेयर हो जाती है उनपे, उनपे सल्फाइड की लेयर हो जाती है, उनपे कार्बोनेट की लेयर हो जाती है. मीन्स वो इतने रिएक्टिव होते हैं, वो हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं और रिएक्ट करते रहते हैं. दैट्स व्हाई, दिस इज द रीजन कि उनके ऊपर लेयर बन जाती है, और लेयर बन जाती है इसलिए उनका कलर जो है वो फेड हो जाता है. मींस उनका कलर इसलिए फेड हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव. वो रिएक्ट करते रहेंगे इसलिए उनका कलर फेड हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ डज अ फायर एक्सटिंग्यूशर वर्क? हम यहाँ पे बेसिकली सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ soda acid type fire extinguisher. So this is the you may say आपने fire extinguisher तो देखा होगा, as a cylinder type होता है, red color की bottle होती है. You can find them easily in hospitals, in schools, ऐसे area में आपको बहुत easily मिल जाएगा, ठीक है.
अब क्या होता है, ये ऐसा होता है, इसके ऊपर जो बहुत अच्छा फंक्शन प्ले करता है दैट इज अ नॉब। इसके ऊपर एक नॉब लगी रहती है जिसको हम प्रेस करते हैं। इसके अंदर ना पहले से ही क्या प्रेजेंट रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे रहता है, ठीक है। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। सो व्हाट हैपेंस नाउ, लिसन, जब हम इस नॉब को प्रेस करते हैं ना, ठीक है, तब क्या होता है, इसके अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आता है। जबी भी हमें जरूरत होगी तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे। व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर देन दे विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक, जब हमने नॉब को प्रेस किया तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जब निकलेगा देन इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देन अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट थ्रू दिस फायर एक्सटिंग्यूशर। अब क्या होगा, जहां पर भी फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, हम उसपे फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, लाइक हम उसको उधर तक लेके जाएंगे, वो फायर एक्सटिंग्यूशर है, ठीक है। इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना कि वो फिर बाहर निकलने लगती है। फिर जब वो बाहर निकलने लगेगी, फिर जहां पे फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी और वो उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे सपोज यहाँ पे फायर है, ठीक है, यहां से वो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इसको अच्छे से कवर कर लेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी। ऑक्सीजन अब इसके अंदर नहीं जा पाएगी, और आपको पता है ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये फायर क्या हो जाएगी, अपने आप से बंद हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स। आप देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि मेटल्स की शाइन क्यों चली जाती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं और वो इसलिए उनकी शाइन चली जाती है, उनके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है। सो दिस इज वाज द रीजन। नाउ एल्यूमिनियम इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल येट वी यूज दैट टू मेक यूटेंसिल्स। व्हाई, अगर एल्यूमिनियम भी इतना रिएक्टिव है देन व्हाई इट इज रिकमेंडेड और व्हाई वी मेक आवर यूटेंसिल्स विथ एल्यूमिनियम। सो द रीजन इज एल्यूमिनियम, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। हमें खाना बनाना है तो हमें ऐसे मेटल चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो अब ये क्या होता है, ये उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है एल्यूमिनियम की। अब हमने एल्यूमिनियम का कुकर बना लिया, लेट्स से इट इज अ कुकर, ठीक है। अब तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फायर है, लाइक आग है, ओके। अब ये क्या होगा, ये अच्छे से इसमें हीट जाएगी, फिर ये पूरे, क्या बोला मैंने, कंडक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है तो ये पूरे में लाइक गर्मी लगेगा, इजंट इट, ठीक है, आपको समझ आ रहा है। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव है फिर भी हम इसे यूज क्यों करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर है, दैट्स व्हाई वी यूज दैट टू मेक यूटेंसिल्स। अब क्या होता है, ये रिएक्टिव है, उसके बाद भी हम इसे यूज क्यों करते हैं बनाने के लिए। सो द रीजन इज एल्यूमिनियम क्या होता है, जब हम एल्यूमिनियम से यूटेंसिल्स बनाने होंगे ना, एल्यूमिनियम सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब इस पर लेयर फॉर्म हो जाएगी ना, तब ये एल्यूमिनियम की जो लेयर होती है बहुत थिन और बहुत टफ लेयर होती है। अब ये क्या करेगी, इसको ये फर्दर रिएक्ट नहीं करने देगी, मींस एक बार उसने रिएक्ट कर लिया और उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना ली, उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी यूज दैट टू मेक यूटेंसिल्स, ठीक है, बिकॉज एक बार उसने रिएक्ट कर लिया, लेयर बन गई, अब वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं आगे, और हमें पता है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए हम उसे यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल बीन क्लीन्ड विथ लेमन, एक्सप्लेन व्हाई दी सो सब्सटेंसेस आर वेरी इफेक्टिव इन क्लीनिंग दीज वेसल्स। आपने देखा होगा जो कॉपर वेसल्स होते हैं, ठीक है,
उनके ऊपर लेयर आ जाती है, लाइक उनका कलर बिल्कुल खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग घर में, उसे लेमन से या फिर सोर सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो बहुत खट्टे खट्टे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर एसिड होता है, ठीक है, हम उन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं इसको साफ करने के लिए। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट इज, हमारे ये जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं ना, सोर सब्सटेंसेस, इस कॉपर की जो लेयर उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं। जब हम उसको जहां पे भी वो लेयर बनी हुई है, अगर हम उसको उसके ऊपर ऐसे घिसेंगे ना, तो वो उसकी लेयर को डिसॉल्व कर देते हैं। और जब उसकी लेयर को डिसॉल्व वो कर देंगे तो क्या होगा, उस टाइम पे वो क्लीन हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई डू वी यूज सोर सब्सटेंसेस टू क्लीन कॉपर वेसल्स, ओके। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। Yeah, thank you very much. If you like the concepts and if you like my videos, then don't forget to hit the like button. And if you haven't subscribed my channel, then do subscribe to my channel and share my videos more and more. And yeah, thank you very much.